एक लायक सपूत औलाद की कहानी है बाबूजी। गौर करेंगे, चार लाइन भूमिका में कहना है। अरमान दिल में बनते हैं लाखों, कोटि कल्पना का समावेश होता, ढह जाते हैं सब महल ख्वाब के। अरे जब तक न ऊपर से आदेश होता, कर्म अनुरूप ही फल देते सभी को, रखते हैं जो कर्मों का लेखा जोखा। गलत कर्म का है नतीजा भयंकर, मगर सत्य कर्म का फल है देते अनोखा। दुनिया को बनाने वाला मालिक धन है तू, तेरी महिमा अपार है। गलत कर्म का है नतीजा भयंकर, मगर सत्य कर्म का फल है देते अनोखा। ऊपर वाले की माया परंपार है, बिरहाम है कवाली लगल मास्टर काबा। उहे लाइन बा, अरे दिल जलाने, दिल जलाने का तेरा अजब ढंग है, दिल जला करके, दिल जला करके तूने ये क्या कर दिया। दिल जलाने का तेरा अजब ढंग है, दिल जला करके तूने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। अरे खत लिखा था, खत लिखा था किसी और के नाम से, सम्मानित आप बड़े भाई दान बहादुर यादव अंदेवरी के पावन भूमि से 101 रुपया का पावन पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है भाई को, सबको प्रणाम है, वंदन है, नमन है। खत लिखा था किसी और के नाम, पर लिफाफे पे, पर लिफाफे पे मेरा पता लिख दिया। खत लिखा था किसी और के नाम से, पर लिफाफे पे मेरा पता लिख दिया, पता लिख दिया। बड़ा सुंदर भाव कभी जी बिरहा में दिए। अरे प्रेम का पुण्य पावनी छलकता है जब, सारे सागर की गहराई तरसा करे, प्रेम का
पुण्य पानी छलकता है जब सारे सागर की गहराई तरसा करे भक्ति का भक्ति का पुष्प उर से निकलता है जब हर बसंती की अमराई तरसा करे प्रेम का पुण्य पानी छलकता है जब सारे सागर की गहराई तरसा करे और भक्ति का पुष्प उर से निकलता है जब हर बसंती की अमराई तरसा करे। यहीं से कहानी की शुरुआत बा, गौर करेंगे नजम के लाइन बा। इंसानियत हो जिसमें इंसानियत हो जिसमें वो सच्चा इंसान है उसके लिए तो अपना सारा जहान है। एक नौजवान बाता था शिव का पुजारी निर्धन थे पिता घर में अंधी बमतारी लाया है घर में दुल्हन वो करिक सगाई खिला न फूल बाग में बहार न आई भगवान शंकर एक दिन हुए उमंग में आए हैं मृत लोक में गिरजा के संग में एक भगवान भोलेनाथ की भक्त की दास्तान है बाबू। रात दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना करे वो दास लेकिन धन न है ऊपर वाले समय बीतत बा धीरे धीरे वह भक्त का विवाह भा घरे में दुल्हन आई गई समय काफी बीत गया लेकिन भगवान को मंजूर नहीं हुआ एक भी पुत्र पुत्री का जन्म नहीं हुआ। गोद खाली है परेशानी पे परेशानी है मतारी अंधी बा दुनिया नहीं देख सकत बाबूजी रात दिन मेहनत मजदूरी करके परिवार चलावे गरीबी से लाचार ओ भक्त बड़ी चिंता में पड़ गया कि भगवान मेरी भक्ति में क्या कमी है जिससे हमारे घर के सभी प्राणी सब परेशान हैं। हमारी माँ दुनिया नहीं देख सकती अंधी माँ पिताजी परेशान हैं गरीबी से लाचार हैं और मेरी दुल्हन जब से ससुराल में आई है इतना समय हो गया कोई भी संतान नहीं हुआ। हाय 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 जाके भोलेनाथ के मंदिर में माथा पटक के रोवे लगा कि प्रभु आज आपको बताना होगा दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ मेरी फरियाद सुनिए। कैलाश पर्वत पे गिरजा माई बैठी यहाँ भोलेनाथ से कहे लेकिन का हो कहाँ आखी मुदे है तुहार भक्त तोहके पुकारत बा तू कहाँ परेशान है कर जो है मास्टर माँ
आए माँ मुझे तू अपने सीने से लगा ले, आए माँ मुझे तू अपने सीने से लगा ले, आंचल में छुपा ले कि और मेरा कोई नहीं। दरबार में जाके भक्त मस्तक टेक दिया, आंखों से बहे अबिरल यशकों की धारा, रोता है बेचारा, आंखों से बहे अबिरल यशकों की धारा, रोता है बेचारा, आए भोलेनाथ जाऊं कहां। भगवान के सामने रो रो के फरियाद करता है कि प्रभु आज आपको प्रकट होना होगा, जब तक आपका दर्शन नहीं होता, दीदार नहीं होता, प्राण चला जाएगा इस दास का, लेकिन आपके चौखट से मैं लौटूंगा नहीं। भोलेनाथ को रो रो के फरियाद करता है, दुख में दुखित बाबू काटे समैया, नेत्र विहीन घर में रोवेली मैया, मझधार में है नैया न सूझ किनारा, मझधार में है नैया न सूझ किनारा, न कोई सहारा, ऐ भोलेनाथ जाऊं कहां, भोलेनाथ जाऊं कहां। आंख में आंसुओं की धार बह रही है बाबू जी, और भगवान भोलेनाथ पहाड़े पे गांजा भांग खाई के मस्त है, यार भक्त पुकार पुकार लगाए बा, वो आंखें मूत के बैठा ध्यान देते नहीं हाँ, गिरिजा माई कहीं भोला तनी अखिया खोला, कहाँ मस्त है वो लड़का, मंदिरे में माथा पटकत बा, तो के याद करत पुकारत बा, चल के अपने भक्त के मुसीबत दूर करा। भोलेनाथ कहें तू मेहरारू के जात बड़ी जल्दी दयाई जात हो, दुनिया या एक से एक पड़ा है हाँ यहाँ, ऐसे हम टहरत रहे झोला उठाए टहरते ही रहे, कहीं नहीं जल्दी से चला भोलेनाथ, तुम्हें भक्त के पुकार सुना, माई गिरजा भोलेनाथ से हाथ जोड़ के मनावे लगी, स्वामी देर मत करा जल्दी चला, कैसे कहे लगी, यह लाइन बा, ये बाबू दरोगा जी, अरे कवन गुनहिया बदला पियावा मोर बाबू दरोगा जी, बाबू दरोगा माँ गिरजा भगवान भोले से कहती हैं,
सुना मोरे स्वामी हो, सुना मोरे भोला हो, कोहरा दास करत बा करुण पुकार, सुना मोरे भोला हो, दया के सागर ज्ञान उजागर आप हैं अंतर्यामी, ए भोला ये भोला दास पुकारत रह जोहारत, अरे दास पुकारत रह जोहारत, दया करा है स्वामी सुना मोरे भोला, सुना मोरे स्वामी हो, कैता मैया के भव से अब पार, सुना मोरे भोला भोलेनाथ कह लगे जब तू नहीं मानत हो गिरजा तो हम तैयार है, चला देखियो भक्त के परेशानी का बा, चल पड़े दोनों प्राणी मृतलोक की धरा पर, जिस मंदिर में जिस दरबार में वो भक्त अपनी पुकार लेके खड़ा है, रो रहा है कि भगवान भोलेनाथ आज आपको प्रकट होना होगा। दोनों प्राणी बाबू जी चल पड़े मृतलोक की धरा पर, जब पहुंच गए एक लाइन गीत बदल गए मास्टर, वह गीत बा एक हमारे वीर सम्राट स्वर्गी दद्दा राम देव जी अपने समय में बाबू जी इंदल हरण कई सीट में ये लाइन दिए हैं कि बोली सोना गईला पगलाई हमारे साजना, और बढ़ा, अरे बोली सोना गईला पगलाई हमर साजना, पैबा कहवा लक्ष्मी मन सभाई हमर साजना, बाबू जी दोनों प्राणी आखिरकार मंदिर में पहुंच गए, तो महतारी के सामने बोली जननी अशुको में धामन धोती हमर लालना, मांग शिव से जाई नयन के ज्योति हमर लालना, जब दोनों प्राणी भक्त के सामने पहुंचे इतने में वो दास बाबूजी तुरंत भगवान भोलेनाथ के चरण में गिर पड़ा, हाय 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 कि प्रभु आज हमार जीवन धन्य हो गया, शंकर भगवान कहें देर मत करा, पहले अपन मुसीबत बतावा कौन बदे याद की है, गिरजा माई बगल में खड़ी यहाँ कहीं बेटवा चूका जिन इनका हम कैसे कैसे यहाँ तक लेके आई है, जान तहाड़ बंगी देवता है गांजा भांग में मस्त रहे, जवन परेशानी बा जल्दी से बोल दे, कहन महतारी का बताई, और शंकर भगवान इतने में बोल पड़े कहन बहुत बवाल ना बढ़ाया ना कहियो हैरानी ही लगे साल्प करा, जवन कुछ कहा को एक कई बात रखा फिर अगले राउंड में दूसर बात के समाधान हुई। बड़े भाई मुन्ना लाल यादव जी
बांसुपुर के पावन भूमि से 101 रुपया का प्यार सम्मान। बहुत बहुत भैया के नमस्कार हो, मालिक खुशहाल रखे। अब टेरी में जब भोलेनाथ कहें कि बेटवा एक ही वरदान आपको मांगना है, वो भक्त बड़े संकट में फंस गया कि मालिक बड़ी मुसीबत के बाद तई बा, हमारे घरे में समस्या तीन ठबा। शंकर भगवान कहा था एक ही मांगे चाहे जवन मांग लिया। महतारी हमार अंधी बा, बाबू हमार लाचार हैं गरीबी से, दुल्हनी के हमारे गोद सुनी बा, केकर परेशानी कही केकर न कही। बड़े धर्म संकट में फंस गया वो भक्त, और महतारी के सामने बाबूजी जोनी समय पहुंचा। महतारी कहे लगी कि बेटवा जाके हमारा आंखी मांग लेता है, तोहके जन्म तो दई दिन दुनिया में लेकिन आज तक तोहके हम देख ही नहीं पाए बेटा, कि रंग बिरंगी हरी ये दुनिया कैसन बा, संसार के लोग कैसन हैं, तो जाके हमारे आंखी के रोशनी मांग ला। संकट में फंस गया वो पुजारी, कैसे मन के सपना, अरे पुजारी कैसे मन के सपना, दुल्ही पिता मतारी तीनों सोचे अपना, दुल्ही पिता मतारी तीनों सोचे अपना, पुजारी कैसे मन के सपना। बड़े संकट में फंस गया बाबूजी, परेशान होकर सोच रहा है। दोनों जने कह नहीं रहा हम जाई महतारी से अपने पूछ के आई, जौन हमार माई कही वही मांगा। शंकर जी कहनी है कारण यहाँ कि हम गांजा भांग पे भांग पे भांग लगाए रही थे। अब दोनों जने इनकर इंतजार करी अपने माई से पूछ के आओ आई, तब वरदान अपन परेशानी बताई है तब जई है। कहन भोलेनाथ दुनिया के मालिक है, तनी दया करा, बिना महतारी के पूछे हम कुछ न कह पाऊ। आप दोनों जने ही मंदिर में रुका रहा, हम घरे गए और आए। वो चल पड़ा जाके माई के शरण में पहुंचा, माई कहे लगी आखी मांग ला। दुल्हन कहत बा गोदी के एक संतान मांग लेते, हमार गोद सुनी बा। बाबू कहन बेटवा कुछ धन दौलत मांग लेता, कुछ आगे कार्यभार चलत। तीनों जने अपन अपन बात रख दिए। परेशानी हो बा कि शंकर जी कहने कई मांगया बा। राधे श्याम में दो लाइन, असमंजस में पड़ा रहा वह सोच रहा है अपने मन, माता बोली नयन मांग लो, प्रगट हुए है भव भंजन। असमंजस में पड़ा रहा वह सोच रहा है अपने मन, मैया बोली नयन मांग लो, प्रकट हुए हैं भव भंजन। कि अरे दुविधा में वह चला जा रहा, जहां पे बैठी रही दुल्हन, सारी बातें सुनकर दुल्हन पिया से बोली मधुर वचन। Yeah.
वह चला जा रहा जहाँ पे बैठी रही दुल्हन। सारी बातें सुनकर दुल्हन पिया से बोली मधुर वचन। मोतारी के सामने पहुंचा, माई कहीं बेटवा जाके आँखी हमरे रोशनी मांगे ला। कहीं हमारा अर्धांगिनी बगल में बाई हुआ आधे सुख दुख के हकदार बा, कहीं न दुल्हनियों से जाके तनिक राह सलाह ले ले। दुल्हनी के सामने पहुंचन कहन भोलेनाथ मंदिर में खड़ा हाँ, जल्दी से बोला जौन कुछ हो। कहीं और का कही, हमार तो वही जीवन अधूरा बा, जब तक हमरे कोनो संतान पुत्र चाहे पुत्री के जन्म न हो जाए तब तक नारी के जीवन अधूरा बा। जाके एक ठे कोनो संतान मांग ले, चाहे लड़का चाहे लड़की जौन ही मांग लिया। कहन तुहार सुन लीन, बबुओ आगे बैठा रहा। कहन बाबू कुछ तो हूँ कहवे, रात दिन शंकर जी के पूजा पाठ करत आज हम प्रगट के हे है। बाबू कहन बेटवा अगर भोलेनाथ दयाल हो के प्रगट भवे यहाँ तो जाए कि कुछ धन दौलत लहाई के लौता, कुछ मांग लेता, कुछ गरीबी परेशानी लचार हो जा, तब तो अवस्था हमार ढली गई बा। अब हमसे मेहनत मजदूरी होत नाई ना। कहन बाबू बात तो सही कहता। तीनों जने के बात सुन के बाबू जी वो परेशान हो गया। बाबू फिर कहे लेकिन कि बेटवा भुलाया ना। कहन बाबू का बताई, माई की कुछ अलग बात बा, दुल्हनिया के अलग बात बा, आप कुछ अलग बतावत है। परेशानी हम सबके समझत है ना, जरूरी सबके बा। बाबू कहे बेटवा पहले धन दौलत मांगा, सब धन दौलत हो जाए, गरीबी जब दूर हो जाए तो सब धीरे धीरे कष्ट कट जाए। बाबू रो रो के अपने बेटवा से कहे लगे गीत उहे बा, उहे लाइन बा कि मोरे पीछवा रवान, अरे मोरे पीछवा रवान सोना रवई के दुकानिया, अरे नाथिया दढ़ाई बिती न पतियन के, नथिया नथिया गढ़ाई तीन पतियन के, बड़ी नीक लागे गीत औरतियन के। भैया आवे ठेकेदार साहब आई जा, लेकिन बाबूजी आंख में आंसू लेकर बाबूजी गरीबी को अपनी परेशानी को याद करते हुए अपने बेटवा से कहे लगे कि फूटल तराम बेटवा, अरे फूटल तराम पीतल दुख में जीवनिया, लाल धान मांगा जाके, लाल धान मांगा जाके बरदानवा, लाल धान मांगा फूटल करम बीतल दुख में जीवनिया, हाय 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 हाय, सुखवा न पवली जहनवा के, बेटा धन मांगा जाके बरदनवा में। कहन जाके धन दौलत मांग लिया, बड़ी मुसीबत के सामना भवा बेटवा, आज भगवान के मंजूर भवा, जाके भोलेनाथ से कुछ धन दौलत ले ला। हाय 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 हाय, कहे लगे क्या कि मेहनत मजदूरी कई के, अरे तो का जियवली तोहरा से उम्मीद हमी है लगावली, अरे है अरमान पसल मनवा में, लाल धन मांगा जाके करता नवा में,
लाल धन मागा आखिरकार बाबू बड़े धर्म संकट में फंस गया वो भगवान का भक्त लाचार होकर भगवान को याद करते हुए कि ऐ मालिक भोलेनाथ दया कीजिए इस दास पर, मैं क्या मांगू क्या ना मांगू। दोनों प्राणी मंदिर में खड़ा शंकर भगवान गिरिजा के खुद आए जाता है कहें यही बदे कहूं जल्दी चला अब यही राह जोहा काहे को लवट के घरे से आवे तो काहे का अपन मुसीबत बताई है। गिरिजा माई कहीं भोलेनाथ थोड़ के उठ समय दा वो भक्त जरूर आता ही होगा। आए, 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 आए। इतने में बाबूजी वो भगवान भोलेनाथ का भक्त सोचते विचारते हुए मन में भगवान के सामने कैसी मांग मांगे कैसी बात रखें कि जोने सनहवरे महतारी की तकलीफ होए न बबुओं के कष्ट होए न दुल्हनिये के कष्ट होए तीनों जने के मांग पूर हो जाए। सोच रहा है विचार रहा है कि हम कैसी मांग बात रखें भगवान के सामने पापड़ के लाइन बा कि अरे असमंजस में फंस के करे विचार भार में नैया बार तीनों सपना कैसे हो साकार धार में नैया असमंजस में पड़के करे विचार धार में नैया बा तीनों सपना कैसे होई साकार धार में नैया बा। निजी स्वार्थ में सब ही लगे हैं अरे अलग अलग यार मनवा हो पिता की आज्ञा धन मांगू और माई कहे नयनवा हो अरे दुलही मांगे गोद के दुलार धार में नैया बा कवन जतन हम करी आज कर तार धार में नैया बा बड़ा ही पावन आशीर्वाद प्राप्त हुआ पावन धाम बिलखरनाथ धाम राधे श्याम बाबा विश्वकर्मा महाराज के आप भक्त हैं। भक्त महाराज की तरफ से 51 रुपया का पावन आशीर्वाद पावन चरणों में आपके प्रणाम है वंदन है नमन है पूरी पार्टी की तरफ से आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। जय बाबा बिलखरनाथ। हेलो चलो निजी स्वार्थ में सब ही लगे हैं अलग अलग और मनवा हो और पिता की आज्ञा धन मांगे और माई कहे नयनवा हो दुलही मांगे गोदी के दुलार धार में नैया बा अरे कमर यतन हम करी आज कर तार धार में नैया बा। सोचते विचारते हुए बाबूजी मंदिर के करीब में वो दास पहुंच गया और जब मंदिर के करीब में पहुंच गया तो सोच रहा है कि भगवान अब मेरी बात की रक्षा करना मेरी वचन की रक्षा करना। इतने में जब पहुंच गया भगवान भोलेनाथ कहन भैया पूछ के आ गया मतारी से अपने पूछ लिया कहन हाँ प्रभु माई से पूछ लीन बबुओ से पूछ लीन दुल्हनियो से पूछ लीन कहन हम पहले भी बता रहे कुल घरों की बात मत सुनाया एक ही बार मांगना है जो भी बात कहना है एक ही समस्या का समाधान हो पाएगा। कहन स्वामी प्रभु ही है तो संकट ही बा केकर परेशानी हम दूर कराई केकर न कराई सब अपने ही है इनके गैर न हो। आल्हा के लाइन में कहना बा एकदम कहानी करीब में है आए, 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 आए,
कि अरे सुर नर मुनि जे कर करते भजन या बाबू धरती से बड़ा स्थान माँ का होता है बाबूजी। हाय 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 हाय। सोच रहा है, विचार कर रहा है मन में, अवनी से बड़ी माई विधवा बतावे बाबू। हाय हाय हाय। अंबर से ऊंचा हो पिता के आस थान हावे भैया। मगिया में जकर भैया कैले सिंदूर दान, सपनवा बाबू मटिया में के कर हो मिलाई यार मां, हाथ जोड़ बतिया के बोले न सुजान बाबू। सोचत सोचत पहुंचा भोला के समनवा, हाथ जोड़ बतिया के बोले ला सुजान। भोलेनाथ कहें जल्दी से बोला, पूरी धरती पे बहुत भक्त हैं, फरियाद पे फरियाद लगाए हैं, सबके मुसीबत में शामिल होई के बा। अपन जल्दी से बोला, का परेशानी बा, माई से पूछ ले है। कहें पूछ लीन प्रभु बा। गिरजा माई कहीं बेटवा चूका मत, देर मत करा। इतने में वो भक्त कहें प्रभु हमारे सम्मान के है बात, के हमरे लाज रखा, कहें जल्दी से मांगा। का चाही तोहके? तो हाथ जोड़ के मांगता है, क्या मांगता है कहानी के आखिरी लाइन में। अरे हाथ जोड़ के अब शिव के सन्मुख बोलई ललना, अरे हाथ जोड़ के शिव के सन्मुख बोलई ललना, तो देखई माई नाती झूलई सोने के पलना। हाथ जोड़
के शिव के सन्मुख बोला सुगना, देखें माई नाती झूले सोने के पलना। कहन प्रभु बस ये इतना दे दा, और कुछ जौन कमी रही फिर कबो दर्शन होए। हाय 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 हाय। फिर मांग ले शंकर जी केहन कुल तलहाय ले है। देखें माई नाती झूले सोने के पलना, परेशानी जितनी रही सब कई दाम बोली गये। माई नात तबई देखी है जब महतारी की आंख सही हुई, तबई नात तबई खेलई है जब पतोहू के लड़का हुई। और जकरे घरे में सोने के पलना चली गया, गरीबी कहाँ खड़ी हुई भैया, बबुओं के संकट दूर हो गए, कई साथे लहाई लेहन। गिरजा माई कहें बेटवा गजब समझदारी से काम किया, कहन महतारी जवन समझ पाए तो उन मांग लेन, का करी परेशानी ऐसे रही, केकर कही केकर न कही। उही बतिया के सुन के चकित भैले भोले दानी, अब दई दा पर दान कहा गिर जा भवानी। अरे ये मस्त कही दिए तब गिर जा के सजना, तब भाई माई नाती झूले सोने के पल। अरे ज्ञान से दूर भैल दुख के रैनिया, दुख भैल दूर आयल सुख के रैनिया। अरे रिश्तायन रूप फर्ज निभाए अपना, तो देखै माई नाती झूले सोने के पलना। एक सच्चे सपूत भक्त कि बाबूजी दास्तान अपनी दुल्हन के साथ कैसी वफादारी हो, दुल्हन की भी मांग को रखा, माँ की भी मांग पूर्ण हुई, पिता की भी बात रह गई, तीनों प्राणी का सम्मान हुआ, घर में सारा दुख दूर हो गया, बाबूजी सभी प्राणी खुश हो गए। यह है भगवान भोलेनाथ की भक्ति की कृपा। धन है देव में महादेव भोलेनाथ बिलखरनाथ धाम बाबा, आपकी महिमा परंपार है। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामदेव हितकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी कभी भारत बने पुजारी। पुजारी कैसे मन के सपना, अरे पुजारी कैसे मन के गावई सीताराम माँ सारब सदा सहाई। पुजारी कैसे मन के सपना, तो बाबू धन धन दशा